हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। ये जो वीडियो रहेगी इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मैं रिकॉग्नाइज करना बताऊंगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके जो फीचर्स होते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। एक अजीब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम यहाँ गौर से समझते हैं। देखिए बेटा, यहाँ आज मैं किसी भी डिजिटल मोड से आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे पास में सुपर सिंप्लीफाइड तरीका रहेगा एलिमेंट यानी हमारे पास तत्व को समझाने का और कंपाउंड को समझाने का। उससे पहले एलिमेंट और कंपाउंड को समझाने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं। आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एक केमिकल है और हाइड्रोजन को हम एच से दिखा दिया करते हैं। हीलियम जो होता है, ये हीलियम को हम कभी कभी एच ई से दिखा देते हैं। लिथियम जो होता है, ये सब केमिकल्स हैं और इसको मैं एल आई से दिखा दूंगा। इसी तरह से कार्बन को दिखाने के लिए मेरे पास सी होता है, कैल्शियम को दिखाने के लिए मेरे पास में क्या होता है, सी ए होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ओ होता है। इसी तरह से ये और भी मल्टीपल बहुत सारी चीजें होती है, लाइक सल्फर को दिखाया तो सल्फर को दिखाने के लिए एस हो गया, ठीक है ना, एस से हम सल्फर को दिखा दिया करते हैं। और गोल्ड को दिखाने के लिए हमारे पास में ए यू हो गया स्मॉल। आप देखेंगे सब में नोटिस करेंगे, जहां मैं डबल अल्फाबेट को यूज कर रहा हूं वह फर्स्ट वाला क्या है, कैपिटल है, और जो सेकंड वाला है वो क्या है, हमारे पास स्मॉल है। ये एल आई में एल कैपिटल है और आई क्या है, स्मॉल है। सी में सी कैपिटल है, ए क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब ये जो आयु पैक होता है, आयु पैक यानी इंडियन, ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, आईयूपैक, मैं लिख देता हूं पूरा। ये आईयूपैक ने क्या किया, केमिस्ट्री के अंदर में जितने भी केमिकल्स थे उन सबको उसने एक बेसिक सिंबल प्रोवाइड किया और उसको पढ़ने और समझने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। और वो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है और सेकेंड लेटर क्या रखना है, स्मॉल रखना है अगर आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, काफी जगह फर्स्ट लेटर से काम चल रहा है और काफी जगह क्या है, दो लेटर है। रीजन हम देखते हैं कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब में क्या हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रही है। अब सी से स्टार्ट हो रही है तो कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, इनमें कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसलिए हमने क्या किया, इनके साथ में सेकंड वाला क्या रख लिया, स्मॉल रख लिया और वो यूनिक रख लिया। जैसे कि क्लोरीन में सी एल हो जाता है, सी के साथ एल छोटा। आप देखेंगे तो क्लोरीन जब आएगा तो क्लोरीन में क्या होगा, सी होगा बड़ा और एल होगा छोटा। कार्बन में सिर्फ सी सी आ रहा है, कैल्शियम में सी ए आ रहा है, ठीक है ना। कॉपर आप लेंगे तो कॉपर के साथ में क्या होगा, अगर आप कॉपर को देखेंगे तो सी बड़ा और यू छोटा कर लेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई। अच्छा, मेरा उद्देश्य क्या है यहां समझाने का, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक एटम को, एटम यानी परमाणु को। अब इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास में चैप्टर 3 और 4 पढ़ा हुआ है, पर यहां मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ जो कंपाउंड पढ़ाऊंगा वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए मैं एक नेक्स्ट हमारे पास बोर्ड में मैं एक चीज और सिखा देता हूं आपको। तो यहां पर प्योर एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब चीजों के लिए यहां पर इन सब ये जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है, देखेंगे। अब आपके पास में क्या है कि कभी कभी आप देखते हो CO2 लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर में एक एटम कितने हो गए, दो हो गए। एटम जो वन है वो सी हो गया, सी स्टैंड फॉर कार्बन वाला, और एटम जो है सेकंड जो हो गया, एटम सेकंड वो हो गया ओ बड़ा है क्योंकि ये, और इसका वाला हो गया ऑक्सीजन। तो काफी जगह आपको ऐसे, और इस पूरे को जो ग्रुप ऑफ एटम होता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी अणु बोल देते हैं। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि जो अणु होता है उसके अंदर में जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। एटम के अंदर छोटे छोटे हिस्सों को परमाणु बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे एटम के अंदर में छोटे छोटे हिस्सों को परमाणु बोला जाता है, तो बेटा यहां पर आप देखेंगे हमारे पास में मैंने बहुत सारे एटम्स बना लिए, ये एटम्स है और इन एटम्स के अंदर में ये जो हम मैंने बहुत सारे मैटर्स बना लिए और इन मैटर के अंदर में कुछ कुछ हमारा रहेगा, मटेरियल रहेगा। देखिए
अब मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड को पूरे रूप से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, ये H2 और O, ये सारे पार्टिकल H2O के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? H2O के। H2O ये बना हुआ है C, C, C और C से। यहां पर मैंने देखा तो ये बना हुआ है NaOH, ये भी बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, NaOH के तीन चार पार्टिकल मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर CA, CO, C, CO बड़ा वाला इस तरह से ले लिए, चार पार्टिकल्स इसके भी इस तरह से ले लिए। आप यहां देखेंगे तो मैंने यहां N2, N3, N4 होता नहीं है पर फिर भी मान लेते हैं, या फिर मैंने यहां ले लिया H2SO4, या ले लिया H2SO4, फिर से एक बार और ले लिया H2SO4। अब मैं आपको कोशिश करता हूं यहां एलिमेंट और कंपाउंड समझाने की, उससे पहले आप स्क्रीन को एक बार देख लें। अब स्क्रीन पर बेटा आपको सबसे पहले यहां क्लासिफाई करना है कौन सा प्योर है और कौन सा प्योर नहीं है। तो प्योर की परिभाषा मैंने आपको बताई, ये प्योर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जो क्या बना होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का, सारे पार्टिकल सेम है तो ये क्या कहलाएगा, प्योर कैटेगरी का। ये भी क्या कहलाएगा, प्योर कैटेगरी का। ये क्या कहलाएगा, इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है, सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं है, इसको आप अपनी लिस्ट से हटा देते हैं। ये सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, प्योर हैं। ये भी सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं, इसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे तो ये क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले मैटर के अंदर में ये क्लियर हो गया कि जब सारे पार्टिकल एक जैसे हैं तो वो प्योर कहलाएगा, और जहां भी पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हो गए वो इम्प्योर कहलाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि प्योर के अंदर ही एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कैटेगरीज को छांटते हैं कि एलिमेंट कौन सा और कंपाउंड कौन सा है। पहले मैं इम्प्योर वालों को हटा दूं, तो इम्प्योर वालों को जब हटाया हमने ये इम्प्योर था कैटेगरी का, इसको हटा देंगे, और एक इम्प्योर कैटेगरी का ये था, इसको भी हम यहां से हटा देंगे। अब मेरे पास में क्या बचता है, ये प्योर और इम्प्योर रह गए, सॉरी प्योर प्योर रह गए। अब प्योर में से दो कैटेगरी बनेंगे, एलिमेंट की और कंपाउंड की। तो बेटा जिसके अंदर में आप याद रखेंगे, जिसके अंदर में सिंगल टाइप ऑफ एटम होगा, यानी टाइप की जब मैं बात करूंगा तो टाइप एक ही निकले, काउंटिंग एक नहीं टाइप एक निकले, तो सिंगल टाइप के एटम वाले को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां देखो, यहां टाइप क्या है, सिंगल है, सिंगल टाइप है एटम, तो सिंगल टाइप क्या है, सी, सी स्टैंड फॉर कार्बन। तो ये वाला प्योर के साथ में क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में और कोई है नहीं, मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक और बॉक्स बनाया आपने, अगर आप उसके अंदर में O2 रखते हैं तो सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, प्योर है, और प्योर के बाद सिंगल टाइप है, बेशक दो दो है भाई, हर एटम के हर मॉलिक्यूल के अंदर दो दो हैं पर है सिंगल टाइप, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अगर मैं और आपको बताऊं तो अगर आप यहां ले लेते हो, एक और बॉक्स बनाया आपने, आपने उसमें ले लिया Cl2, सिंगल टाइप होने चाहिए, जब सारे पार्टिकल सेम होंगे एक जैसे होंगे तो प्योर तो है ही है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी प्योर तो है, और प्योर के साथ में ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर में सारे पार्टिकल सिंगल टाइप के हैं। अब ये भी एलिमेंट हो गया, इसको हटा देते हैं, एलिमेंट समझ में आया, ये भी एलिमेंट हो गया और ये भी एलिमेंट हो गया। बचे आपके पास ये येलो वाले, इनके अंदर में मोर देन वन टाइप है, प्योर तो है पर मोर देन वन टाइप है। आप देखो H2O, यानी H और O दोनों आ रहे हैं, HB और OB है, H और O, क्योंकि ये दोनों ही कैपिटल लेटर के हैं। यहां पर आपने देखा Na एक है, O और H, यहां पे थ्री टाइप हो गए, ये थ्री टाइप के हैं, और यहां पर क्या है, टू टाइप है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं तो ये कितने टाइप के, H, S और O, यहां पर भी थ्री टाइप है। जब कभी भी मॉलिक्यूल बना होता है वो होते प्योर है, पर वो प्योर के अंदर जो एक पार्टिकल यानी जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से बना हो, एक से ज्यादा प्रकार के एटम से बना हो, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी देते हैं, हम उसको कैटेगरी देते हैं कंपाउंड की। कौन सी कैटेगरी देते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक की कैटेगरी देते हैं। वैसे यौगिक को समझने के लिए काफी और फीचर्स और काफी और प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, पर ये वन ऑफ द बेसिक जानकारी बहुत जरूरी थी जो लोगों को पता होती है और कभी कभी इसको स्किप भी कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से छांटना होता है कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है। पहले आप देखेंगे सारे पार्टिकल सेम तो प्योर हो गया, एक पार्टिकल को उठाएंगे सिंगल टाइप का एटम उसमें काम कर रहा है, एक से कोई दूसरा प्रकार नहीं है, तो क्या कहलाएगा, एलिमेंट।
अगर आपने एक पार्टिकल को उठाया और उसमें एटम मिल गए दो या तीन प्रकार के, तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। अब एलिमेंट एटम एक ही है या एक से ज्यादा है वो कैसे पता लगेगा आपको? वो पता लगेगा यहां से, अगर एक अल्फाबेट है तो एटम भी एक है, एक ही टाइप का है। अगर अल्फाबेट जो है बड़े वाले कैपिटल अल्फाबेट अगर दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो एटम्स भी क्या है? दो या दो से ज्यादा हैं। वीडियो को बार बार देखें, प्ले करें, धीरे धीरे पॉज करें, समझे अच्छे से, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आया होगा। मैं इनको बेसिक फीचर्स जो होते हैं केमिकल फीचर्स केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में फिर से आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।